अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं किचन विद सबा। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो ट्रायंगल। पोटैटो ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए थे जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। 1 कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, 1 हरी मिर्च ली थी जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, कुछ स्पाइसेस लिए हैं, 1/2 टी स्पून पिसा गर्म मसाला, 1/4 टी स्पून काली मिर्च, 1/4 टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून आमचूर मसाला, 1/2 टी स्पून ज़ीरा, 1/2 टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टी स्पून चाट मसाला, 1/2 टी स्पून नमक। बाइंडिंग के लिए मैंने चावल का आटा लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। सबसे पहले हम आलू मैश कर लेंगे। आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें सारे स्पाइस डाल दूंगी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर और थोड़े से ब्रेड क्रम्स 1 टेबल स्पून के करीब। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह से लेंगे थोड़ा सा और इसे रोल कर देंगे। रोल कर दिया है मैंने इसे। अब हाथों की मदद से इसे मैं हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर दूंगी। अब इसे इस तरह से छुरी से मैं कट कर दूंगी। इसे हाथों से मैं थोड़ा सा सेट कर दूंगी। इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे। सबके बना लूंगी मैं। इस तरह से मैं सेट कर दूंगी। सारे ऐसे ही बना लूंगी। सारे पोटैटो ट्रायंगल मैंने बना लिए हैं। अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मैदा लिया था जिसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे नहीं बना लिए। एक ट्रायंगल लेंगे, इसे इस तरह से कोट करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। इस तरह से सारे इसी तरह कर लूंगी मैं। सारे पोटैटो ट्रायंगल्स पे मैंने कोटिंग कर दिए। अब 10 मिनट के लिए मैंने रख दूंगी और उसके बाद मैंने फ्राई करूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पोटैटो ट्रायंगल फ्राई करेंगे। पोटैटो ट्रायंगल हमारे फ्राई हो रहे हैं। लाइट गोल्डन कलर इन पे आ चुका है। 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। पोटैटो ट्रायंगल फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। पोटैटो ट्रायंगल हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।